मैं अपने सभी प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जितने माननीय विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाए, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहीं श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं, असलम रानी जी का स्वागत करता हूं, असलम अली साहब हैं इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई, हाकिम लाल बिंज जी उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेन साहू हैं उनका स्वागत, सुरेश निषाद जी का स्वागत, श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ, वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मंच से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी,
आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी, और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी नहीं थी, उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर, सभी सांसद सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। ना पानी मिला उन्हें, ना पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था, लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का, इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था, काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटू, मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो, तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं, ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने में। 4.5 साल टैबलेट देते रहे और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है, ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है। और 1 GB इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दिए जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त, बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट। शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है
जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज